धेय टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिम्स्टेक का जो पांचवा समिट आयोजित किया गया है और इस समिट में इंडिया ने क्या क्या प्रस्ताव किए हैं, क्यों इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आवश्यक माना गया है कि बिम्स्टेक जो मेंबर स्टेट्स हैं अब वो जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दें, और इसके अलावा इसमें कौन से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है इस शिखर सम्मेलन में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष हाल ही में पूरा हुआ है और इसी कड़ी में हाल ही में पांचवीं बिम्स्टेक समिट आयोजित की गई है। मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की, जो इस समय बिम्स्टेक का अध्यक्ष है, और इसका अगला अध्यक्ष थाईलैंड को बनाने का निर्णय किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु टूवर्ड्स अ रिजिलियंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज और हेल्दी पीपल रखा गया है, और इसके अलावा बिम्स्टेक के प्रयासों से जो सहयोगी गतिविधियां हैं, यानी जो भी कोऑपरेटिव एक्टिविटीज हैं मेंबर स्टेट्स के बीच में, उसको विकसित करना इसमें शामिल है, ताकि सदस्य देशों के अर्थव्यवस्था और विकास पर कोविड 19 महामारी के दुष्प्रभावों से निपटा जा सके। इस शिखर वार्ता का प्रमुख कदम बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर करना और उसे मंजूरी देना है, जिसके तहत उन सदस्य देशों के संगठन को आकार देना है जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं और उस पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिम्स्टेक सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बीच में 3 बिम्स्टेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक समझौता, यानी जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है क्रिमिनल केसेस में उससे रिलेटेड समझौता, राजनयिक प्रशिक्षण यानी जो डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग होती है उसके लिए बिम्स्टेक देशों ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया है, और इसके अलावा बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा पर एक समझौता किया गया है। इस बैठक के दौरान बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया गया है, तो यानी ये जो बिम्स्टेक का पांचवा समिट हुआ, ये सबसे खास बात इसमें ये रही कि बिम्स्टेक का चार्टर एडॉप्ट किया गया है। बिम्स्टेक के नए चार्टर में सदस्य देशों ने हर 2 साल में समिट्स मीटिंग और सालाना विदेश मंत्रियों की बैठक करने का निर्णय लिया है। वहीं बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल का सुझाव था कि एक एमिनेंट पर्संस ग्रुप का गठन किया जाए जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, और इसी बैठक के दौरान बिम्स्टेक सचिवालय की क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया गया, और भारत ने एक कदम अपना लीडरशिप और आगे बढ़ाते हुए इस सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की बात कही। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में कहा है कि बिम्स्टेक सदस्यों द्वारा अपने बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रस्ताव पर शीघ्र प्रगति करना आवश्यक है, क्योंकि 2003-04 में बात तो हो चुकी थी कि इन सदस्य देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किया जाए, लेकिन वो अभी तक हो नहीं सका है। तो इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड और जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। इस संदर्भ में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और ADB के साथ मिलकर के अधिकारियों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत का कहना था कि सदस्य देशों के उद्यमियों और स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए, और इसी के साथ सदस्य देशों के बीच ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाने का भी प्रयत्न करने पर भारत ने बल दिया। शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक के मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को भी एडॉप्ट किया गया है, जिसमें ADB की महत्वपूर्ण भूमिका है। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करने पर बल दिया गया, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने की बात बिम्स्टेक में की गई। इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना महत्वपूर्ण है, इस पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। डिजास्टर मैनेजमेंट, विशेषकर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण संस्था है, और इसे सक्रिय बनाने के लिए भारत ने बिम्स्टेक सदस्य देशों का इस बैठक के दौरान सहयोग मांगा। इस सेंटर के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए भारत $3 मिलियन का योगदान करने को तैयार है। भारत ने हाल ही में तीसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, जिसे पैनेक्स 21 नाम दिया गया है, आयोजित किया था।
इस तरह की एक्सरसाइजेस नियमित रूप से होनी चाहिए, ऐसा भारत ने कहा, ताकि सभी सदस्य देशों के अधिकारियों के बीच डिजास्टर के समय साथ में काम करने की जो इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है, एक संस्थागत तंत्र है, वो मजबूत हो सके। बिम्स्टेक सदस्य देशों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली बिम्स्टेक स्कॉलरशिप योजना का विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में काम करने का भी निर्णय किया। सदस्य देश बंगाल की खाड़ी को केंद्र में रखते हुए मरीन साइंसेज पर ज्वाइंट रिसर्च को बढ़ावा देने की भी बात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र सभी बिम्स्टेक देशों की अर्थव्यवस्था का आधार है और इसीलिए सदस्य राष्ट्रों के बीच वैल्यू एडेड कृषि प्रोडक्ट्स की रीजनल वैल्यू चेन्स बनाने की अच्छी संभावनाओं पर चर्चा हुई है और इसके लिए भारत के एक संस्थान RIS को व्यापक अध्ययन करने का कार्य दिया गया है। और इसके अलावा पांचवें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और सदस्य देशों के बीच म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स पर भी हस्ताक्षर हुए हैं और बिम्स्टेक का कन्वेंशन टू कॉम्बैट टेररिज्म पिछले साल से ही सक्रिय हो गया है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ऐसा ही एग्रीमेंट सदस्य देश अपने लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच भी कर सकते हैं। भारत की फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने फील्ड में एक यूनिक और वर्ल्ड क्लास संस्था है। सदस्य देश इसमें बिम्स्टेक देशों के पुलिस और फोरेंसिक ऑफिशियल्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिम्स्टेक का ये जो पांचवा शिखर सम्मेलन था, जिसकी मेजबानी वर्चुअल लेवल पर श्रीलंका ने की, उसमें इन सब बातों पर बल दिया गया। अब यहाँ जरूरी ये है कि प्रीलिम्स पे जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस बार बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो वहाँ ये पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य हैं, कितने ऑब्जर्वर मेंबर हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में कितना इसका योगदान है, ग्लोबल पॉपुलेशन और ग्लोबल ट्रेड में इसका कितना परसेंटेज है, इसकी साझेदारी कितनी है और FTA हो चुका है कि नहीं इसके सदस्य देशों के बीच में, और इसके साथ साथ बिम्स्टेक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे भी देखना होगा कि किस तरीके से बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो स्थिर बने, वहाँ पर प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरीके से जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट और खासकर साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में जो फंडामेंटलिज्म रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और IS यानी इस्लामिक स्टेट के जो खतरे बढ़ रहे हैं, इन सब से कैसे निपटा जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे बंगाल की खाड़ी में दिशा दी जाएगी, इन सब पर भी चर्चा करनी जरूरी है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फ्रांस को एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाया गया है। क्वाड का पहली बार जो एक बंगाल की खाड़ी में एक्सरसाइज हुआ वो फ्रांस के नेतृत्व में किया गया और हाल ही में जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है उसमें फ्रांस को सदस्य भी बनाया गया, 23वां सदस्य बन चुका है। तो इससे पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के लिए जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये था हमारा ग्लोबल अफेयर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम जिसमें हमने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात की। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि बिम्स्टेक का जो कन्वेंशन टू कॉम्बैट टेररिज्म है वो कब एडॉप्ट किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कितने सदस्य देश उसे रेटिफाई कर चुके हैं और सबसे अंतिम देश कौन था जिसने इसे रेटिफाई किया था। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।